रोई रे सवरिया तेरी याद में, सवरिया तेरी याद तेरे बिना मैं रोई रे सवरिया तेरी याद में, सवरिया यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपतौ चहित्वा भेजुरुं कुन्द पदवीं श्रुतवृज्ञां। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दें, आप इस पृथ्वी में मुझे कुछ भी बना दें, लता पता बना दे, औषधि बना दे, ईंट पत्थर बना दे, घास बना दे, जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण मेरे मस्तक के ऊपर पड़ती रहे, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ये ब्रज गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। या दुष्ट एजम स्वजन मार ये पथम चेहरा, इन्होंने दुर्जन व्रत को छोड़ दिया, लौकिक वैदिक मर्यादाओं को तोड़ करके, दुर्जन ग्रह की श्रृंखलाओं को तिनके की तरह तोड़ के मुकुंद भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंदों को ऐसा भजा, ऐसा आत्मसात कर लिया, जिनको श्रुतियां लेती लेती कहकर के थक जाती हैं, उन कृष्ण को इन गोपियों ने अपने प्रेम के पाश में ऐसा बांध दिया। ताहे कहीर की छोभरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचा, ये ब्रज गोपियां उनको थोड़ी सी छाछ के पीछे उनको मन चाहे ढंग से नचाती हैं, और वो कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर के इनके दास बन करके कठपुतली की तरह से नाचते। मैं इन ब्रज गोपियों को प्रणाम करने का भी अधिकारी नहीं हूं, मैं इनके चरण रज को बार बार नमन करता हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। मैं किशन रज की बार बार वंदना करता हूं, जिसका गान करने से त्रिलोकी पवित्र हो जाया करती। उद्धव जी लौट करके मथुरा में आते हैं, जिन कृष्ण से कह रहे थे, कृष्ण तुम तो ईश्वर हो, सुख दुख से परे हो, ये आंसू तो ज्ञान के कारण से आया करते हैं। ब्रजगोपियों के प्रेम का आस्वादन करने के उपरांत जब उद्धव जी कृष्ण के पास में आते हैं, बोले, कृष्ण तुम प्रेम करना नहीं जानते हो,
तुम बड़े कठोर हो, निष्ठुर हो। प्रेम क्या है? मैंने ब्रज में लिखा है, कहां तक कहूं कालो कहिए ब्रज की बात, सुनो श्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिता। तुम्हारी याद में किस तरह से वो अपना समय बिताते हैं? केवल गोपियों और ग्वाल वालों की बात नहीं, गोपी ग्वाल गाय गोष्ठ तो है, मलिन बदन कृष्ण गात, सबका शरीर तुम्हारी वह वेदना से कृष्ण जर्जर हो चुका है। गोपियों की तो ये स्थिति है, जो कोई पहुंचता है जाकर वो देख दूर थे सब पूछा तो कुछ रात उनसे तुम्हारी कुशलता पूछने के लिए दौड़ दौड़ के आती राहगीरों से, उनकी ये वह वेदना देखी नहीं जाती है। सूरदास संदेशन के पथ संदेशन के डर पथिक न तुम अभिजात, राहगीर अपना रास्ता बदल देते हैं, उनसे उनका ये वह जन्म देखा नहीं जाता है। कृष्ण मेरा तुम्हारे चरणों में यही निवेदन है, मैं गोपियों से वायदा करके आया हूं कृष्ण, तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में वो अपने प्राणों को रोके हुए हैं, एक बार कृष्ण चल करके उनको दर्शन दे दो, दर्शन दे दो कृष्ण। हे श्याम तोरे श्याम ब्रज में लौट चलो, तोरे श्याम ब्रज में लौट चलो, व्याकुल होके ब्रजनाथ हो।